दिल्ली की सर्दी दिल्ली की वो सड़कें कनॉट प्लेस और उसमें अंशुल रियाजी बस्किंग जो करते हैं बस्कर जिसका एक ना जुनून होता है वो कुछ ढूंढ रहा होता है उसका एक मिशन होता है वो वो है तो जब वो आए पॉडकास्ट पे और जब मैं उनके साथ बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि उनका एकदम एक पैरेलल एक, एक, एक नॉर्मल लाइफ है जॉब है घर है फैमिली है एवरीथिंग नॉर्मल जो हम लोग का होता है फिर भी वो बंदा रोज नोएडा से 9 बजे आके कनॉट प्लेस के किसी ना किसी ब्लॉक में बस्किंग कर रहे होते हैं पुलिस परेशान करती है अलग अलग चीज़ें होती हैं बट वो हिलते ही नहीं मैंने पूछा क्यों भाई मतलब तो क्यों इतना पागलपन क्यों रोज इतना क्यों तो है उन्होंने क्या कहा कह रहे हैं कि अगर मैं जिस भी दिन नहीं करूँगा ना बस्किंग मर जाऊंगा फिर समझ ही नहीं आया हम तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे सब कुछ चल रहा था रिकॉर्डिंग हो रहा था बट जब वो उन्होंने ऐसे बोला मुझसे तो अगला क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया इज क्रेजी मैंने तो छह सात साल पहले बस्किंग स्टार्ट की थी बस्किंग मींस कि मैंने थोड़ा तो वेस्टर्न देखा तो तो वेस्टर्न कल्चर में नाम बस्कर होता है क्योंकि लोग वहाँ पे स्ट्रीट पे परफॉर्मेंस करते हैं तो ये जितने भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए उन्होंने तो हाँ। और इंस्पिरेशन है, है जो भी सिंगर है सॉन्ग राइटर है मतलब उन्हीं की वजह से एक तो वो मैंने चीज देखी और मेरा मन भी था कि मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म स्ट्रीट पे परफॉर्म करने का मैं जॉब भी करता था मतलब मैं राजस्थान में था तो मैं संडे आता था, था वहां से मतलब गिटार लेकर के अपना डेली आते थे, थे। मतलब संडे राजस्थान से राजस्थान से हर संडे हर संडे क्यों क्योंकि मुझे समय तो मिलता नहीं था मतलब मेरी जॉब रहती थी ना हाँ। तो संडे मैं बेसिकली फ्री होता था सुबह आ गया हाँ। गिटार बजाया मैंने और चला गया शाम को वही बजा लेते वहाँ पे नहीं मुझे सीपी से थोड़ा सा लगाव है सीपी सीपी अच्छा से लगाव है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ना मतलब हर दिन बदलती है लोग लो, अच्छे लोग हैं मतलब इंस्पायर इंस्पिरेशन मिलती है खुद मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं बसकर बन जाऊंगा मैं मतलब सोचा नहीं था नहीं सोचा ओके नहीं।, okay. नहीं सोचा था बट क्या हुआ कि मैंने जब मैंने मैंने मतलब देखा कि वहां पे लोग तो बैगर्स बोलते हैं मैं बैगर्स नहीं बोलता किसी को हुँ. अगर कोई बैठे हैं बूढ़े या कोई बच्चे हैं मैं उनको बैगर्स नहीं बोलूंगा ठीक है वो एक एक तरह के वो फकीर है मतलब ये उनका काम है ये उनका काम है ठीक है

वो स्टार्ट था मेरा ठीक है वो वो भी सीपी सीपी में में हुआ था वो सीपी में था अच्छा तो मैं चला गया उसके बाद मतलब उनके, उनके लिए भी और जो भी जो भी लोग हैं वहां बैठे हुए मतलब उनसे मिलना है उनके पास बैठना है ठीक है चीजें क्या हैं मतलब बहुत सारी चीजें मैंने आंखों में पढ़ी उन लोगों की है ना सो वहां से कुछ स्टार्ट हुआ

फिर उसके बाद मैंने मतलब क्या कि मेरे को मतलब अपना कुछ बनाना था मैंने गाना बनाया था हुँ. क्योंकि जब मैं रहता था राजस्थान में तो मैंने अपना गाना बनाया था मोला अहां. तो मैं वो एक गाना ही गाता था वो ये गाना. एक गाना मतलब मुझे मैंने उसको बार बार रिपीट किया एक जगह गाया दूसरी जगह गया तीसरी जगह गया तो जब नोएडा आया तो मैं फिर उसको मैंने स्टार्ट कंटिन्यूस कर दिया ठीक है फिर मैं मतलब जगह जगह गा रहा हूँ ठीक है जो भी कलेक्ट मनी होती थी मैं उनको जोड़ा था उनके लिए ठंड ठंड होती है तो उनको मतलब उनको 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 जो जो पे अपने गाने बनाता गया क्योंकि मैं एक गाना फिर दो गाने बने तीन गाने बने वो गाने गाने नहीं है मेरे लिए वो इमोशन थे जो मैंने देखे जो समझे वहां पे वो उनके इमोशंस थे वहीं से वहीं से लिया और वो फॉर्म वो वो एक कनॉट प्लेस का जो कलर्स है जो मतलब जहाँ पे आपको हर चीज देखने को मिलेगी ना वो सारे वो इमोशंस थे जिन इमोशंस को मैंने समझा आग बंद करके उनको महसूस किया और वो मैंने बनाया और गाया मेरे को कोई म्यूजिक नहीं आता मैं सी बताऊ मैंने कोई सीखा नहीं है जो बेसिक कोर्ट्स मुझे आते हैं वो मैंने करे और उन्हीं पर मैंने गाने बनाए सो दो हजार अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस वो काम करते करते मतलब यहाँ तक पहुंचे तो वो चीजें हाईलाइट होने लगी ये बंदा कर क्या रहा है मतलब ना तो फिर मैं एज ए बस्कर मतलब टाइटल पड़ गया टाइटल पड़ गया कि बस्कर आर्टिस्ट हाँ। ना? तो बस्कर का मतलब बेसिकली होता है कि वो ऑन स्ट्रीट अपना कुछ कर रहा है ठीक है उसने जो इमेजिन किया है जो उसकी जो उसके भाव है मतलब ना जो उसने जो उसके भाव है वो उस भाव को गा रहा है वो कोई गाने नहीं है उसके भाव उसकी

अपनी खुद की चीज बना रहा है और वो जोड़ रहा है ये नहीं की मतलब की वो मतलब तो या वो मतलब एक बेसिकली जोड़ना अपनी ऊर्जा ऊर्जा जो 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 उसकी है जो अंदर जो महसूस करता है जो उसके पास है उसके वो उसको गा करके लोगों तक पहुंचाता है लोगों तक भी नहीं पहुंचाता बस वो उस एनवायरमेंट में छोड़ता है जिनको लगती है वो आते हैं ठीक है जो उनको उसको वो एक गिफ्ट होता है उसकी बस होता है बस में जो मनी डालते हैं मनी हो चाहे वो ब्रैड्स हो ठीक है चाहे वो टॉयज कुछ भी मतलब खिलौना हो हाँ। जिसको जो अच्छा लगे चॉकलेट्स हो तो वो जैसे ही बस में डलती है ना वो एक गिफ्ट हो जाता है उसका कि भाई तू अब ये ले ले इसका कुछ थोड़ा बहुत खा ठीक है और फिर कल दोबारा से उस थैंक यू ऑडियंस का एक तरीका सारे लोग कनेक्ट होते हैं बहुत कनेक्ट होते हैं अगर अगर ख़राब है है। सपोज़ तो 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 मैं 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 नहीं जा पाता। ओ, हाँ। वो एक है। लेकिन तो वहीं जब आपने तो आप, आपने शुरू किया आप जो वहां पे फकीर थे उनको देख के उनका एक दिल से दिल मिला और उनके उनके भाव आपको समझ में आए और आप अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करते थे इतने साल से तो आपका कुछ बदला है उससे और ज्यादा बड़ा हुआ है छोटा हुआ है राइट लेफ्ट किसी तरफ मुड़ा है कि वही है नहीं मतलब मैं मैंने बहुत अपने अंदर चेंजेस फील किए हैं जैसे मैं अगर बात करूं तो अगर यू you नो know, जब आप एक जगह बैठते हो ना और जब आप गाते हो ठीक है सिद्दत से अपने जुड़ करके है ना तो आप अंदर से कनेक्ट होते हो अपने आप से आउटर से नहीं क्योंकि इनर कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो क्या होता है ना कि हम जब लोग जब देखते हैं किसी को ठीक है कोई भी अगर मगन गा रहा है तो वो पहले कनेक्ट है अपने आप से वो प्रैक्टिस अगर एवरीडे होती है ना तो वो वहां से आपको अपने आप जानने की एक जो प्रकृति है वो स्टार्ट हो जाती है कि बंदा अपने आप जानना स्टार्ट कर दिया वो वर्ड्स वो पोएट्रीज मैं कोई पोएट नहीं मैंने पोएट्री का पेज ही बना रखा है तो वो जो एक्सपीरियंस है मेरा ना वो मैं लिखता हूँ जो मैं गाता हूँ मैंने क्या मतलब वो वो भावनाएं मेरे अंदर क्या कह रही है वो भाव मुझसे क्या बातें कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मतलब मैंने पेज करके मुझे लिखना है यार इसको तो वो मैं उतारता हूँ इसलिए मे, मे, मेरी लाइफ में जो भाव है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इमोशन से बने और इमोशन देना जानते हैं इमोशन के बिना कुछ भी कुछ भी नहीं बिल्कुल इमोशन से एक ऐसी चीज है कि कि जब आप देते हो ना उसको तो अंदर से खोख ले जाते खाली हो जाता है। क्योंकि क्योंकि आपने बहुत उस उस, उस spirituality से वो emotion दिया दूसरे आप love कर रहे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं हमसे लोग सोचते हैं कि मतलब कि ये बंदा ऐसा गा रहा है यार ऐसे ऐस सोचते हैं कि नहीं यार कहते तो भाव आ जाते हैं वो से देखकर चले जाते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है अगर कुछ जो महसूस करते हैं वहां पे करते हैं मुझे तो पता नहीं क्योंकि बाद में आते हैं तो खो जाते हैं बाद में आते हैं कि गले मिलते हैं हैंडशेक करते हैं भैया अपना नंबर दे दो उन्होंने तो बहुत बड़ा अच्छा गाया बहुत अच्छा गाते हो आप मतलब अंदर से गाते हो फील से गाते हो मैं कनेक्ट हो गया कब बहुत से मैंने रोते हुए देखा है बहुत ज्यादा ही रोते क्योंकि जब आपकी अंदर की कनेक्शन बन जाती है तो वो

वो तब इंस्पायर्ड होते हैं जब अपने आप से जुड़ते हैं कि आउटर वर्ड इनर वर्ड ना दो चीजें हैं इनर वर्ड के साथ अगर कनेक्ट कर लोगे ना अपने आपको यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ भटकाओ तो आउटर वर्ड है इनर भटकाव नहीं है वो आपको पाने का एक रास्ता है तो वही मैं काम कर रहा हूं अपने आप को पाने की एक रास्ता है मेरा मैं ये नहीं देखता कि मुझे ए से बी जाना है या मुझे किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाना है राइट बस मुझे ये है कि मेरी बात जो है लोगों तक पहुंचे कि मैं करके आ रहा हूं वो है क्या चीजें एक गा आ रहा है बंदा क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते नहीं। लेकिन वो समझते क्या है बस वो उस फील को महसूस करते हैं कि ये जो एनर्जी आ रही है क्या ये कनेक्ट कर रही है जब भी मैं कहता हूं मेरी आंखें बंद रहती हैं, क्योंकि आंखें बंद करने का स्वभाव मेरा यही है कि उसी ने मुझे सिखाया है अपने आप से

वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता हम एक्सपेक्ट नहीं करते है ना हाँ। क्योंकि वो जो आपने उस मोमेंट में जो फील किया वो आपकी जर्नी थी exactly नहीं ना? नहीं। मैं उसके साथ में दस परसेंट बीस परसेंट नब्बे रिलेट कर पाऊंगी अगर मेरी उस वाइब में कुछ मैच हो हाँ। हाँ। रहा है उस मोमेंट में कुछ है लाइफ में लोग रिलेट करते हैं मतलब ऐसा नहीं है मैंने देखा लोग रिलेट करते हैं ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि हर कोई बाहर बाहर से आ रहा है कहीं पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं हाँ। आ, बार, मतलब आउट ऑफ इंडिया से भी सेंटर सेंटर है ना सो इसलिए मुझे वहाँ प्लेस अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे लोग एक तो इंस्पायर भी करते हैं सुनते हैं ठीक है और उनको जब अच्छा लगता है तो बाद में आगे सर अच्छा लगा मतलब मैं इमोशंस हो गया मुझे मुझे एक राह मिली है मतलब मैं थोड़ा बदला और क्या चाहिए और क्या चाहिए तो यही है मतलब बस्कर का मतलब यह है कि वो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है कि अगर कोई बंदा थोड़ा भटका हुआ है तो उसने देखा अच्छा है मुझे सीख मिली है तो मैं ऐसा करता थोड़ा किनारे पे आ जाए कहीं तो अगर थोड़ा सा अगर मैं ये दा, दान कर रहा हूँ तो मेरे तो मुझे तो अच्छा है मुझे कुछ तो चाहिए क्या चाहिए सच में तो ये जर्नी है ठीक है और इस जर्नी को जब तक जान जियेगा ऐसे ही हमें कोई चाह तो है नहीं कि मुझे मतलब वहां तक पहुँचा बस ये है कि जो जो हम कर रहे हैं ना ये एक ऐसे मुकाम तक जाए

रोजी रोटी के लिए काम करते हो तो आपका दिन भर एक जॉब में जाता है फिर शाम को जब आदमी टीवी देख रहा होता है थक के, तो आप प्लेस जाते हो, परफॉर्म करते हो हा? सो ये आप और रोज करते हो हाँ जी रोज रोज रहा है। सो किसी दिन डाउट आता है कि छोड़ दू अभी मतलब जीवन इतना आसान तो है नहीं हर कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर होती है परिवार है आपके मम्मी पापा है लोग सिस्टर्स हैं बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमिकल ठीक है वो मजबूरी काम कराती है चाहे कोई भी हो कोई भी हो चाहे कुछ भी हो है ना हाँ। और डर के तो भागना नहीं उन चीजों से हाँ। है ना फायदा क्या so, सो चीज तो मैं जो अपनी जॉब कर रहा हूँ ना वो उसी चीज के लिए है क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं यही फुल टाइम ठीक है मुझे पता है समाज सोसाइटी मेरे बारे में बात करेगी इवन मैं चाहे मेरे घर के क्यों ना ठीक है है चाहे कोई भी हो कहेगा, यार कर क्या यार बोला रहे? मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि भीख मांगता है भीख मांग रहा है परसेप्शन बता रहा हूँ लोगों के मैं बोला मेरे खुद की फैमिली कि तू भीख मांगता रहता सड़क पे ऐसे बाल खोल करके क्या कर रहा है तू ये अपनी लाइफ को एक्सपोज मतलब बर्बाद कर रहा है तू इंजीनियर आया तो जॉब कर भाई ये करो करो अब समझा तो सकता नहीं ठीक है समझाने वाली तो बात क्या है।, है कि हमारे भारत में हमारे समाज में या हमारे फैमिली के लोग प्रूफ मांगते है ना कि भाई प्रूफ चाहिए तो तो ठीक है पैसा तो देना पड़ेगा तो वो मैं दे रहा हूँ क्योंकि वही प्रूफ है ठीक है भाई तुम पैसे लो फिर उसके बाद तू तो जो तो करा उसकी क्या है वो भी करके दिखाया जितना करके जितना मुझसे तो थोड़े चुप होते हैं ऐसा नहीं है ठीक है अभी भी करते हैं इतने फेमस हो आप फिर भी फिर भी मतलब ई ब्लॉग पे वो तो लोग बहुत समझते हैं अच्छा। पहला करते थे लेकिन वो कि नहीं यार ये मानेगा नहीं इसको स्लो दे रोकते नहीं मेरे को लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि जब मैं करता हूँ ना वो उनका वहां पे बिहेवियर सही नहीं है मतलब बट हां खैर एनीवे मतलब बोलते तो हम चले जाते हैं लेकिन समटाइम्स ऐसी चीजें हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं अंशुल बोल तो यार कब तक चुप रहेगा मत सुनो हाँ। तो मैं बोलता भी हूँ ऐसा नहीं लेकिन फिर कहना छोड़ दिया मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे वो आते हैं उन्होंने डंडा मारा उस पर बस के उस पर ट्रंक पे बंद कर लिया चुप रहा निकल गया दूसरे ब्लॉक में तो ये होता रहता है मतलब इस तरह की चीजें ना क्या कर सकते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है इतने सालों से आप जो कर रहे हो अवेयरनेस में लोगों के परसेप्शन में कि ये बेगिंग नहीं है ये क्राइम नहीं है म्यूजिक है जब लास्ट ईयर की बात है जो जिस एक एफ ब्लॉग पे जो स्कोप्स ने मेरा जो वो वीडियो काफी वायरल हुई थी सब पता है

है। और लोगों ने उसको, उसको हाँ। पॉजिटिव तो सपोर्ट किया बहुत मतलब वो हो वो पे स्टैंडिंग रहा है ठीक है इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक थिंक मीडिया ने ऑडियंस ने सपोर्ट सपोर्ट किया नॉर्मल है ये ठीक है तो बदलाव तो आया बदलाव आया बहुत बदलाव आया मतलब उस चीज को लेकर उन्होंने उन्होंने भी भी पुलिस जो मतलब 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 थे उन्होंने भी कहना छोड़ e हुए। स्पेशली हुए। हाँ, नहीं।, तो नहीं, नहीं होती में है, कुछ में नहीं होती।, में है, नहीं होती नहीं है वो आते हैं देख कर चले जाते हैं बस बोलते हैं फकीरा मैं समझ गया चला जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप इतना गहरा सोचते हो अगर मैं पूछूं कि आपके <coughs> बिलीफ क्या हैं सो <coughs> so, कुछ आर्टिकुलेट होता है कि कुछ चीजें हैं जो मेरी नॉन नेगोशिएबल हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए बट नहीं बदलेगी मेरा बिलीफ मेरा इनसाइड है आपको बताऊं बिलीफ एंड बिलीफ मेरा दोनों इनसाइड है ठीक है वो मेरे से कुछ कहता है कि नहीं तू कर सकता है हम तो मैं कदम रख रहा हूं क्योंकि मुझे कहता है कि तेरा विश्वास था तो तू यहाँ तक जितना पहुंचा पहुंचा ठीक है तू आगे भी अपने उस रास्ते को कंटिन्यू करेगा वो मेरा विश्वास है वही विश्वास मुझे लेके चल रहा है मैं अपने आप को आर्टिस्ट तो कहूंगा नहीं ठीक है हुँ. लेकिन मैं ये वर्ड नहीं कहता लेकिन जी रहा हूं उस चीज को वो विश्वास मेरे अंदर है कि मुझे और चीजें बनानी है और चीजें क्रिएट करनी है मैं कर सकता हूँ इतना किया तो और भी कर सकता हूँ तो ये विश्वास मेरे को लेके चल रहा है वही विश्वास मेरे अंदर है क्या अचीव करना चाह रहे हो अचीव नॉट लाइक मटीरियलिस्टिक है ना वो तो आपका <coughs> जर्नी नहीं है जी पर ये पूरे जो कर रहे हो सारा जो इतना दिल से मेहनत कर रहे हो कर रहे हो क्या चाहते मेरे को ना जो मैं कर रहा हूं ना वो बताना है लोगों को जो स्ट्रीट पे कर रहे हैं कि ये है क्या चीज मैंने अभी जो पहले बोला था ना कि मैं चाहता क्या अपने आप को मैं पूछना नहीं चाहता हाँ। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ बसकिंग ना हाँ। कि ये है क्या चीज ये मतलब क्योंकि लोगों को नहीं पता कि तो ये बस क्या कर... हो जाएगा हाँ। अगर पता चल जाएगा तो क्यों क्यों क्योंकि लोग उसको करें मेरे जाने के बाद अपने लोग और लोग करें अपने अपने तौर तरीकों से करें ये नहीं कि मतलब अपना बनाए अपना करें तो एक और बस कर आर्टिस्ट आए दो आए तीन आए क्यों उससे क्या हो जाएगा उससे ये होगा ना कि जो एक जो एक बस्कर कम्युनिटीज को एक बढ़ावा मिलेगा मैं आपको बताऊं जो उससे बस, क्या होगा उससे क्या होगा कि एक इमेजिनेशन आएंगे सामने नेचर आएगी सामने है ना डेवलपमेंट होगा डिजाइन होंगे यू नो खुलेंगे दिल खुलेंगे, खुलेंगे लोग अपना अपना अलग अलग, अलग जोनर बनाएंगे अब देख रहे बसकर यहाँ गा रहा है अच्छा वहाँ गा रहा है लोग सुन रहे हैं क्योंकि जब तक वो चीज दिखाई नहीं जाएगी और मैं देखूंगा नेचर ये भी होता है क्या तो दिमाग कैसे बदलेगा दिल कैसे बदलेगा

आप भी उसको गाने लग गए वो तो वो एक वो तो हो गया, हो गया। बट यही है कि जो मैसेज मैसेज मतलब मेरा क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे वो लोगों तक बतानी है ये बंदा है ये ये काम कर रहा है ये ये करता है अब वो 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 चीज वो जागरूकता लोगों में भी लानी है कि वो भी अपने आप भी कर सकते हो आप भी खोजो अपने को सर्च करो अपने को आपका इनर सेल्फ आप भी कर सकते हो और मैं मैं पसंद करूंगा वो आर्ट देखना स्ट्रीट पे सामने बैठ के कि नहीं यार इसने ये हम वार, ये हमसे इंस्पायर्ड हुआ और बंदा काम कर रहा है अच्छा लग रहा है अगर बस्कर नहीं रखते तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता क्योंकि हमारे कल्चर में हम उसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं हम बस को बैगिंग कह देते हैं अगर आप नॉर्मली वहां पे बैठ के परफॉर्म कर रहे होते तो भी आपको लगता है कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती मुझे ऐसा लगता है कि वो जो विजुअल है है ना क्योंकि एक लोग भिखार ही बोलते हैं, हैं कि, अगर, था था, है कि नहीं यार ये बिखार है इसको पैसे दे दे इसको दो रुपये दे दे अलग अलग बैठे हुए एक तो माइंड सेट बहुत गंदी चीज है कि उनका माइंड सेट हो गया नहीं वो भिखारी है उसको दो रुपए दे दे तीन रुपए दे दे वो भिखारी नहीं है अब उसको अगर मैं अपने आप से रिलेट करता हूँ कि जब मैं गारा होता हूँ ठीक है मैंने अपनी एनर्जी दी है मैं आपसे उसका गिफ्ट मांग रहा हूँ सही बात आप गिफ्ट फॉर्म में कुछ भी दो कपड़े भी दे सकते हो मतलब हो कुछ है, भी। कुछ, भी, हाँ, कुछ भी, कुछ भी कुछ भी कुछ बस ये कहता है कि जो जो उसने

वर्ड्स क्यों फकीर डिफाइन किया मैंने मतलब तो प्रोफाइल पे लिखता हूँ वो अपने अंदर से जुड़ करके न, अपने अंदर से से ना अपने अपने आप को हील करके लोगों को इंस्पायर करता है वो गुजरता है उस पेन और सफरिंग से जो वो कर रहा है उस अटैचमेंट से जो उसके इंसाइड में उसको फकीर बोलते हैं बिल्कुल बहुत बड़ी बात है

एक बांधना होता है पहले अपने आप को बांधा दूसरों को बांधा कुछ ना कुछ बदलाव लाना है इस चीज के थ्रू करके। और लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं आई नो आप आंख बंद रखते हो बट पहले बाद में उस टाइम पे जो आपको महसूस होता है सीपी में कैसा रहता है ऑडियंस मैं जो फील करता हूँ राइट ना जैसे कि सैटरडे संडे की मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ मैं जब गा गा रहा होता हूँ तो मेरी तो आखें बंद होती हैं ठीक है मेरा हिसाब है कि मेरे को अपनी एनर्जी मैं पूरी अपनी एनर्जी से वहाँ पे जो भी अपने आप को जोड़ करके वो परफॉर्म करता हूँ लोग दूर तक खड़े हो जाते हैं मतलब ऐसे ठीक है बहुत रेयर होंगे जो मेरे सामने बात करने आए क्योंकि मैं वो एनर्जी ऐसे जाती है कि वो वो लोग उनकी मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो मेरे पास आए क्योंकि वो बधाव हो गया वो सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ कुछ सोल चल रही है हम मैं जो फील करता हूँ क्योंकि वो कनेक्शन ऐसा बांधे की मेरे पास कोई आ नहीं सकता, सकता। क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं है नहीं। वो सोल कनेक्शन चल रहा है कुछ एक होता है जो इस तरह के एलिमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम कनेक्शन बना रहता है एक एनर्जी फ्लो होती रहती है ठीक है एक रूपांतरण होता है वो लोग खड़े होकर सुनते रहते हैं क्योंकि मैं मेरा क्या है कि मैंने बस के स्टार्ट कर रेगुलर वन सॉन्ग फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौदह ऐसे बारह सॉन्ग कंप्लीट करके जो कि एक घंटा लेते हैं आठ मिनट नौ मिनट का एक गाना होता है उसके बाद मैं उठता हूं एंड विश। तब दिखते हैं आपको कि तब तो वो लोग खड़े हैं हाँ, तब तो वो खड़े होते हैं आते हैं हाथ आत मिलाते हैं आपने अच्छा गाया है मतलब चीजें होती है सो so, आप सारे पे <coughs> दिखे थे शो पे टैलेंट शो पे आपने क्यों डिसाइड किया उसमें जाने का वहां क्या हुआ मैंने डिसाइड, पहले तो मैं उसने बोला कि सर नहीं चलो चलो हाँ। मैंने कहा यार मैं अपने गाने गाँव नहीं बॉलीवुड हाँ। चलता है नहीं आप चलो जाके देखो ना एक बार मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं तो मैं चला गया मैंने वहां भी अपना गाना गाया उन्होंने बोला ऑडिशन जो एक थर्ड राउंड होता है मतलब वो सीधे बॉम्बे के लिए तो मैंने गाया अपना गाना पंचु में फिर बोला फोर्थ तो राउंड के गया आप अपने बारे में बताइए जो भी है फिर मैं उन्नीस दिन के लिए बॉम्बे चला गया फिर मैंने वही पंचुम अकेला परफॉर्म किया था मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो मेरी जर्नी उसको बताया है जो मैंने जो के बारे में बोला उन्होंने पूरा उसको डिस्क्राइब किया। GTV, सारे मुझे उतना ही चाहिए मेरे कोई सारे कोई जीतना नहीं है ठीक है क्योंकि मैं तो अपने गाता हूं। तो उनका अपना कांसेप्ट था उनका अपना एक सर्कुलर था कि इस फॉर्मेट में रखना है मैं तो वो फॉर्मेट से डिफरेंट हुआ, हाँ, हुआ आपका क्योंकि इंडियन सिनेमा के नहीं गाते हाँ, बहुत दूर दूर तक पहुंची बिल्कुल यहां दिल्ली में सीपी में रह के ऑब्वियसली उतने दुनिया भर में नहीं पहुंच पाता लोगों तक वो बात तो वो पॉजिटिव था मेरे लिए मतलब अच्छा लगा मुझे

थक जाता है इंसान एक पॉइंट विश्वास और खुद से खरेवेशन आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कोई बंदा कोई आर्टिस्ट है अगर वो अपने आप को लेके चल रहा है तो विश्वास एक शब्द जो अंदर आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ मेरे अंदर वो बात है ठीक है तो वो नहीं हारेगा जिंदगी में कभी तो। चाहे वो चाहे वो कैसे भी हो जाए क्योंकि उसे चाहे वो कितनी भी जिम्मेदारियां में आ जाए वो उसको करेगा वो क्योंकि वो उससे ड्रिवन है ना उसको, उसको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो वहीं से उसका सोर्स आ रहा है बट जब जब भी आप ऐसे किसी भी शख्स से या सिचुएशन से भिड़ते हो जो आपके विजन या आपके पैशन या आपके मिशन से अलाइन नहीं होता है सेम नहीं है जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए ए ब्लॉक के पुलिस ऑफिसर्स रहे आप कह रहे हो आप बता रहे हो नहीं समझ रहे या, वो तो सिर्फ एक उदाहरण है कोई भी ऐसे तो वो क्योस जो होता है जो आपके लिए इमोशनल भी होता है फिजिकल भी होता है आप कैसे उसको डील करते हो नॉट फिजिकली बट आपका मेंटल फ्रेमवर्क क्या होता है आप क्या बोलते हो अपने आप को बहुत सारी कैलकुलेशन चलती है माइंड में मतलब कि लोग आर्ट को नहीं समझ रहे हैं। है ना कि इतना चेंजेस आ चुका है लोगों में कि लोग समझ नहीं रहे कि कर क्या रहे हैं मैं अगर थर्टीन फोर्टीन सेंचुरी की बात करूँ तो हर कोई स्ट्रीट पे गाता रहता था बिल्कुल ठीक है आ, है ना आ, और आज का दिमाग ऐसा हो गया कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा है वो पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी कड़वी बात बोलता हूँ माइंड इज अ दिमाग एक कीड़ा है जो आज का हो चुका है उसने अपने दिल को खा लिया उसने अपने इमोशंस खा लिए तो आदमी के अंदर इमोशंस बचे ही नहीं और जब इमोशन नहीं तो वो इंसान नहीं और इंसान ने तो आर्ट ही नहीं तो आर्ट खत्म हो रही है बात यह है और ये कीड़ा पैदा किससे हो रहा है ना उनका माइंड सेट उस तरह से हो रखा है कि नहीं वो ऐसा करो तो मैं भी ऐसे ही करूंगा वो ये करो तो मैं भी यही करूंगा तो उसका कीड़ा यहाँ वो अपने आपको देख नहीं पा रहा ना झाका नहीं उसने अपने तो मैं हूँ क्या एक्चुअली देखा ही नहीं पता ही नहीं और वो देखेगा भी ना तो भी छुपा लेगा अपने आपको डर जाएगा डर जाएगा क्योंकि यार ये क्या ये तुम्हें सच्चाई दिखा दी इसने मेरी और वो हैंडल नहीं कर वो हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि वो उस सच्चाई में नहीं जी रहा वो झूठ में जी रहा है वो उसके पास नहीं गया उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भयानक लगता है लगता है डूब जाऊंगा खो जाऊंगा वही चीज है मतलब ना तो वो वो चीज मतलब उस समय पर आती है कि यार कोई समझ नहीं रहा है मतलब चीजों को ना तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है चलो हमें किसी को बताना नहीं है बट हमें अपना चीज काम करनी है आता आता है आता है गुस्सा मैं भी एक इंसान हूं गुस्सा आता है लेकिन क्या है कि मैंने इस आर्ट से कंट्रोल करना सीखा है मतलब मैंने, मैंने बताया ना मैंने बहुत अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना मतलब बहुत चीजें मुझे इसने सिखाई

स्ट्रीट पे जाता था घर से मतलब घर पे पहले कुछ गाने बनाए क्रिएट किए वहां पे गाए स्ट्रीट से फिर चीजें देखी क्या हो रही है राइट फिर क्रिएट किया ठीक है और टाइम इसलिए लगा इन पंद्रह कम्पोजिशन को पांच छह साल में क्योंकि वो सारे इमोशंस वैसे ही है उस फेस कोई ने? मैं बैठा नहीं कि मैं गाना बनाने बैठ रहा हूँ राइट ये नहीं चलो आज ये गाना बनाते हैं ऐसा कभी नहीं अंदर से आया वो गाना बना तीन मतलब मुश्किल से चार पाँच चार पाँच मिनट के अंदर कॉर्ड्स लिरिक्स पैटर्न फ्रीज उसमें ये नहीं कि मैं सुबह शाम तक सोच रहा हूँ हाँ, आप अच्छा गाना बनाने नहीं बैठे थे ना हा? हाँ तो जो अंदर से निकल रहा था उसको एक शेप देना था इसलिए सारे गाने इमोशन है मैं इनको भाव बोलता हूँ और भाव मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो अपने भावों को नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है आपको सी वो तो मैं नहीं मतलब उनके अंदर देखा नहीं मैंने क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता उनका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ में कुछ लोग क्या होते हैं कि दूर से देखते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो सकता है वो अंदर ले रहे हो हैं बहुत सारे हाँ। तो वो अलग परसेप्शन उनका है ठीक है मैं उसकी थ्योरी को डिफाइन तो कर नहीं सकता ज्यादा ठीक है ना मैं उस चीज के बोल सकता क्योंकि वो उनका परसेप्शन जब वो आपके सामने आते हैं क्योंकि आप इतना भाव को समझते हो इतना ध्यान देते हो, अपने अंदर इतना खोते हो तो कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस <laughs> को दबा के रखते हैं नहीं, ही नहीं करते है। एक्सप्रेस लेकिन क्या है ना कि मैं उनके अगर फेस को देखूं ना तो दिख जाता है आईज बहुत कुछ कहती है शब्द आपके नहीं कुछ कह सकते लेकिन आईज सच कहते शब्द झूठ बोल देंगे लेकिन आंखें झूठ नहीं कभी बोलती अगर आप उसको उस तरह से पढ़ोगे तो आगे झूठ नहीं बोल सकते लाइफ का आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा सवाल है जिसका अभी तक आपको जवाब नहीं मिला <coughs> अगर है तो सवाल बस मेरा ये है कि यार थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए यू नो लाइक ए पीस शांति सी है ना नहीं है अभी नहीं है अभी थोड़ी सी नहीं है शांति और जो मैंने फील किया है कि जो मैंने महसूस किया जो मैं काम कर रहा हूँ ना ठीक है वो सवाल मेरा है कुछ से कि बस थोड़ा सा इसको मुझे और स्प्रेड करना करना है, कैसे करू? कैसे करू? क्या करना है, कैसे कैसे क्या लोगों तक बात कैसे जाएगी और ज्यादा आगे तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजें हैं ठीक है ताकि लोग और अवेयर हो इस चीज से है ना वो सवाल चलता रहता है कि ताकि और लोग मुझे जाने के बंदा ये काम कर रहा है तो वो सवाल है जैसे कि एक हरमन हीज की बुक थी ना सिद्धार्था उन्होंने बताया उनके बारे में कि भाई वो बने कैसे है ना एक छोटा सा क्लिक्स मैंने पढ़ा था कि उन्होंने एक, एक जो नाव चलाने वाले होते हैं ना तो वो वो नाव नौका जो होता है उन, उस, न, उन, उन्होंने जब उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं हुआ नहीं। नहीं। उन्होंने पार कराया तो उससे वो सवाल कर रहे थे उसने बोल उसने बोला कि आप मुझे अपनी नाव दे दो ठीक है और बस मुझे और कोई चाहिए तो वो उन्होंने उसको उसने उसने उसकी नाव ले ली और जो लोग आते थे ना वहां पे क्यों ली क्योंकि उनको मतलब विचार बांटने थे के अंदर चल रहे थे हर लोग नए दिन आते गए उनके विचार बांटने लगी ऐसी लोग इंस्पायर्ड हुए उससे उनसे फिर भीड़ आने लगी वहां पे धीरे धीरे भीड़ आने लगी अच्छा बता वहां पे एक बंदा है वो यार वो इस तरह की चीजें करता है तो ये एक वो हुई ना कि मतलब कि जब तक बताऊंगा ही नहीं किसी को पता कैसे लगेगा कैसे चलेगा बिल्कुल लोग बदले कैसे वो गलत काम कर रहे हैं और वो गलत बंदा मेरे सामने आ गया और उससे कभी सब देखो भाव सब में होते हैं फीलिंग सब में होती है चाहे वो कितना भी गलत इंसान हो ना जरूर उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस क्योंकि देखो गलत होगा तभी अच्छा है अच्छा है तो गलत हो सकता है है ना तो ऐसा नहीं कि वो गलत है मतलब गलत है तो वो सही नहीं है तो वो भी अगर वो सामने खड़ा हो तो वो बदल जाएगा ये फैक्ट है उसको वो एक्सपीरियंस होगा तो हाँ। so, यही एक सवाल है और यही हम जो मतलब कर रहे हैं कि चाहे मैं हूँ चाहे और भी लोग जो कर रहे हो ठीक है मुझे पता नहीं बट कर रहे होंगे अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं तो बस वही चाहना है

और सेटल का मतलब सेटल का मतलब यही है कि घर ले लो ठीक है, घर ले लो और अपनी वो उसमें खुश है लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ना उनके लिए बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर हो गया कि नहीं यार ये तो गलत चीज है ये तो ये तो तुम्हें पता नहीं कहाँ डुबो देगी तुम तो खत्म हो ये तो ये तो बिगड़ गया लड़का यार हाथ से गया क्या <laughs> हाँ, ये तो यार ये तो, ये तो <laughs> तो तो बाबा बन गया मेरी फैमिली ने खुद मुझे मतलब ऐसा नहीं सो में बहुत तू कर क्या रहा है लोग बोलते कि आपका लड़का कर क्या रहा है जी है ना लेकिन मैंने बताया ना कि हमारे भारत में कमी है कि वो चाहते हैं कि प्रूफ दे वो दिखाए कि भाई ये चीज सही है अच्छी बात है भाई वो बताया तो फिर दिमाग चेंज, हुए। चेंज हो गए हो गए मेरे मोम डैड के दिमाग चेंज हो गए मतलब वो कभी अब बोलते नहीं इस चीज के बारे एक्सेप्ट एक कर लिया कर लिया, लिया। कोई दिक्कत नहीं ओ कोई दिक्कत नहीं है वाह तो जो वो सोचते थे कि ये सेटल लाइफ होती है अब वो उसके लिए नहीं परेशान होते उनको अब वो कुछ ही नहीं परेशान होते वो एक कर लेगा ये आई बिलीव है ठीक है हां भी है बिकॉज़

बसकिंग से म्यूजिक आया अब उस म्यूजिक को स्प्रेड करना लोगों के थ्रू चाहे वो डिजिटल से करे चाहे हम सॉन्ग लॉन्च करें, करें है ना? ये चीज है कोई डर है आपको डर मेरे को अपनी कोई आर्ट से तो नहीं है बट डर थोड़ा सा ये है कि घर वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है ना क्योंकि उनका हमारे ऊपर हाथ है है ना रहता है कि कभी यार एक समय आएगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा है ना तो ऐसा रहेगा तो वो थोड़ा सा रहता है सो so, जब आ, आप और यंग लोगों को देखते हो यूथ ऑफ टुडे किधर जा रहे हैं वेयर आर द यंग पीपल गोइंग टू देयर देखो यंग माइंड्स क्या है ना थोड़ा सा मैं अगर बात करता हूं ना थोड़ा सा फैटी हो गया है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं जा रहा क्योंकि क्या है कि जो सामने चीज चल रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं गलत चीजें बताई जा रही है मैं सबको नहीं बोलूंगा ठीक है लेकिन मैक्सिम तो ये है अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ है, है मतलब ये तो, ये तो वैसे ही है ठीक है अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज चल रही है तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं करते ऑब्जर्वेशन नहीं है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन होना अपने आप का ठहराव होता है वो ठहराव नहीं है यूथ में वो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है वो ठहरा होगा तो स्पिरिचुअलिटी होगी वो स्पिरिचुअलिटी होगी तो इनर कनेक्शन होगा वो नहीं है केवल एक आउटर लेयर से जिसको हम आउटर माइंड बोलते हैं कहने को कह दिया हाँ तो ये मैक्सिम यूथ में तो यही है कि हर आ, जो मैं अगर बात करूँ मैक्सिम यूथ आउटर वर्ल्ड है नॉट इनर वर्ल्ड जो उनका इनर सेल्फ होना चाहिए और सोशल मीडिया ने और खराब कर दिया हाँ तो जो चीज है वो चल रही है तो आपके फैंस की तरफ से थोड़ा सा कुछ हल्का हो जाए ओके? Okay? आपके फैंस आपके बारे में छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं ओके? Okay. Okay? तो एक छोटी सी ट्रिव्या करते हैं फ्यूचर um, you आने वाले समय से आपको प्यार है या अपने पास से नहीं नहीं मेरे को अपने प्रेजेंट से प्यार है इस वक्त इस वक्त राइट नाउ जो मतलब चल रहा है मुझे उससे प्यार है मुझे कोई फ्यूचर से प्यार नहीं है कोई पास से आप किस चीज में बेहद बेकार हो <laughs> बेकार जितने परफेक्ट बहुत अच्छे हो बहुत फैंस है आपके ऑनेस्ट चीटिंग नहीं थोड़ा आलसी हूं मैं थोड़ा <laughs> <laughs> समझ गए <के> हम कितने आलसी हैं आप पीपल या बुक्स बेसिकली दोनों नहीं 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 एक एक बताना है चीटिंग नहीं क्योंकि बुक्स मैं पढ़ता नहीं मैं लोग बोल सकता हूं हाँ बोलना पसंद है कि सुनना मेरे को सुनना पसंद है सॉल्ट या स्वीट स्वीट क्या पुरानी चीजें पसंद है कि नहीं पुराना लगाओ एक्चुअली <laughs> मैं, बस बस मैं और मेरी तन बस बस <laughs> खुश है अपने बस <laughs> आप में लास्ट कब हुआ था जब आप रोए थे और क्यों रोया था मैं

भी गलती थोड़ी नहीं है। हम्म गाय तो रहे हैं। हाँ uh. तो वो हुआ था। वो तो बहुत बड़ा था। हम्म hmm. ये शहरी के लोगों की तरफ से माफी। हाँ मतलब ये चीज़ है। That's not done. That's absolutely not done. कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना आप जी नहीं सकते? आर्ट है मेरी। म्यूजिक ठीक है और जो लोग जुड़े हैं हमसे, मम्मी hmm. पापा है ना?

नहीं है कि यार तुझे कपड़े खरीदने हैं या नहीं मेरे को ये गाड़ी लेनी है ये करना है, मेरे को नहीं है मेरे को बस जो मैं कर रहा हूँ मुझे बस वही मेरी जर्नी मतलब वो आगे तक चली जाए बस वही बहुत है यही है बकेट लिस्ट और ये बहुत बड़ी बकेट लिस्ट है बस यही है चलो अपने फैंस के लिए कुछ एक मैसेज फैंस को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यार आप जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मतलब थोड़ा बढ़ावा दो है ना उस चीज को समझो उसकी डैप को समझो जो स्टीट पे हम जो वीडियो बनाते हैं उनको मतलब देखो समझो है ना और जितना हो उस सके उसको शेयर करो ताकि लोगों तक वो बात जाए है ना वो जो बस्किंग है बस्किंग है क्या मतलब वो कर क्या रहा है बंदा वो इमोशंस क्या है वो लोगों तक पहुँचे है ना क्योंकि जितने फैंस जुड़े हैं आप जो लोग सब जुड़े हो मुझसे तो वो उस चीज़ को देख करके ही जुड़ो है ना तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप उसको उन चीज़ों को शेयर करो इस इस मटेरियल को शेयर करो क्योंकि ये ये कोई ये कोई कोई गाना नहीं है ठीक है ये एक भाव है जो हम वहाँ पे कर रहे हैं बहुत मेहनत लगती है उसमें क्योंकि बहुत टफ है है ना तो उसको उसकी डेप को समझो उसकी साइकोलॉजी फिलोसफी को समझो और एडोप्ट करो और जितना हो सके शेयर करो जिस भी तरह से जागरूक करो बस ये मैसेज थैंक यू जी थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच थैंक यू आई जस्ट होप हमारे जरिए से भी ये बहुत लोगों तक पहुंच जाए और वो लोग भी उसको शेयर करें थैंक यू बट अपने बारे में इतना तो सारा शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू